बिहार में आज से संशोधित लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन इनमें पिछले लॉकडाउन से कुछ अलग बदलाव भी किए गए हैं। पटना में आज से शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट ढाबा को छोड़ सभी दुकानें खुल जाएंगी। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही बाजार में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का निर्देश दे दिया है। पटना में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी दुकानें, मार्केट कॉम्प्लेक्स और प्रतिष्ठान खुलेंगे। दूध, दवा, किराना की दुकान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोलने को मंजूरी दी गई है, जबकि फल, सब्जी, मीट सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से लेकर 7 बजे तक खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकानें बंद कराई जा सकती है। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा। इससे पहले लॉकडाउन में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़ी दुकानों को ही खोलने का निर्देश दिया गया था। जिला प्रशासन ने अनिवार्य सेवा से जुड़े जितने भी कार्य हैं, उनमें कंटेनमेंट जोन में भी जारी रखने को कहा है। इस तरह 1 अगस्त से बाजार में चहल पहल बढ़ जाएगी। प्रशासन ने दुकानदारों से कहा है कि बगैर मास्क और सैनिटाइजर के दुकानों को नहीं खोलें। यदि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दुकानें बंद करा दी जाएंगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। मीट, मांस, मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुलेंगी। बाजार में भीड़ नहीं हो, इसके लिए सभी प्रमुख इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जहां भीड़ होगी उन इलाकों में दुकानों को बंद कराया जा सकता है। राजधानी पटना में आज से मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, हरिनिवास कॉम्प्लेक्स, चांदनी मार्केट, हथुआ मार्केट, राजधानी मार्केट और खेतान मार्केट समेत अन्य मार्केट की दुकानें खुलेंगी। हालांकि पटना जिले में 103 कंटेनमेंट जोन अभी भी बरकरार है, जहां सभी तरह की दुकानें और गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट के लिए दैस जी न्यूज़।